हेलो स्टूडेंट, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ उदय कुमार और मैं आज कट ऑफ बनाया हूँ हिमाचल प्रदेश का कॉलेज वाइज कट ऑफ। और कौन सा कॉलेज आपको किस नंबर पे मिलेगा, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारे की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम देखते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज है। और आपको ये जो फाइल है पीडीएफ, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, और आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके हिसाब से मैं बनाया हूँ कॉलेज वाइज काफ़ी मेहनत करने के बाद। तो ये है फर्स्ट कॉलेज, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिमला। 102 सीट है इसमें। और पिछले साल इसका जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ था, फर्स्ट राउंड का यूआर के लिए 595, सेकेंड राउंड का 584, ये पिछले साल का है। मॉपअप राउंड में सिर्फ एससी के लिए सीट बचा था और कोई सीट नहीं बचा था। इसकी फी 40,000 है एनुअल फी। दूसरा जो कॉलेज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में है, इसमें 102 सीट है। इसका जो कट ऑफ गया था 568 नंबर यूआर के लिए गया था, ठीक है। और इसका भी फी 40,000 है। तीसरा जो कॉलेज है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहान सीट मोड़, इसका जो है 40,000, इसका भी फी है। इसका कट ऑफ 522 गया था। और ये है डॉक्टर यशवंत सिंह, ठीक है। ये फोर्थ कॉलेज है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और इसका जो कट ऑफ गया था ये काफ़ी कम रहा था, इसका यूआर के लिए 549, ठीक है। अब ये कॉलेज वाइज है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6th पंथी जवाहरलाल नेहरू 505 गया था कट ऑफ, ठीक है। अब उसके बाद ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उनका क्या कट ऑफ रहा था ये भी मैंने मेंशन किया है इस फाइल में, ठीक है। और ओवरऑल ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये प्राइवेट में दो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, ये देखिए इसका कट ऑफ। अब कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, इस साल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पिछले साल 505 था, इस बार आपको 498 प्लस है। तो आप सिर्फ मान सकते हो आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। पिछले साल एसी के लिए 458 था, इस बार अगर 450 प्लस है तो सीट मिल सकती है। एसटी के लिए 453 प्लस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पिछले साल 460 था और रैंक गए थे 1,21,900, 504। ओबीसी वाले 504, इस बार आपका कट ऑफ 595 पे भी मिल सकता है। मैं यहाँ पे 497 प्लस मैंने लिखा है, 495 भी है तो चांस है मिलेगा। ईडब्ल्यूएस, ये देखिए ईडब्ल्यूएस को 450 प्लस पे इस बार सीट मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश में। ओपन मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा तो ये है, तो इस पे 215 नंबर है तो आपको मिल जाएगी। एनआरआई वाले को 144 प्लस पे सीट मिल जाएगी। पीडब्ल्यू वाले को, पीडब्ल्यूडी जो है स्टूडेंट, उनको 170 प्लस पे सीट मिल जाएगा, ठीक है। और बैक एआर को मिलेगा 450 प्लस पे, ठीक है। ये है हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ दोस्तों। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में टाइप कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। और कोई भी फ्री हेल्प की ज़रूरत हो काउंसलिंग में, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।